तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा, अगर आपको उस तरह का वीडियो क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट इमोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करके बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक कलरफुल वीडियो एडिट करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एडिट करते हैं। तो वीडियो को एडिट करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहां पे आपको आना है। फिर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको यहां पे क्लिक करके इसके स्ट्रे पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने नाम का पहला वर्ड या फिर कुछ भी टाइप कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे PRS टाइप कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसको सेंटर में कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसकी फॉन्ट को चेंज कर लेना है। इसकी फॉन्ट को हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ कलर पर क्लिक करना है और आपको इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। फिर आपको यहाँ टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, इसको आपको 90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। फिर आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करना है और आपको इसकी साइज को बड़ा कर लेना है। इसकी साइज को आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी वीडियो ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर से आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है जिससे आपको वीडियो क्रिएट करना है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो इसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फोटो को सेलेक्ट करते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसको आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको ग्रुप में क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको इस ग्रुप पे इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको बैक आना है और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको पहले वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ थ्री राइट पर क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके इसकी इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ थ्री राइट पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है जिससे आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके स्ट्रे पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी स्ट्रे पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसी तरह से आपको एंड तक अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो एडिट कर चुके हैं। इसके बाद आपको इन सारे फोटो पे इफेक्ट एडिट करना है। तो इफेक्ट एडिट करने के लिए सिंपली आपको बैक आना है और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको दूसरे वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ थ्री राइट पर क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके इसकी इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका ग्रुप एंड हो रहा है वहाँ पे आपको आना है। फिर आपको यहां से लेके एंड तक जितना भी फोटो है सारे फोटो पे आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां थ्री राइट पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके यहां पे आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां थ्री राइट पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके यहां भी आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको सारे फोटो पे इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे फोटो पे इफेक्ट एडिट कर चुके।
लिए। इसके बाद आपको इसमें एक और इफेक्ट एड करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली बैक आना है और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ से आपका लगातार फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको आना है। फिर आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट टू लेयर पर क्लिक करके दोनों को आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको लास्ट में आ जाना है, जहाँ तक आपका फोटो और सॉन्ग है वहाँ पर आपको आना है। फिर आपको इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।